राम राम सही भाइयों को क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे भाइयों। आज हमारे सामने है महिंद्रा बलेरो पिकअप FB CNG, जो कि इसका CNG वाला वेरिएंट है। खास बात इस दोस्तों इसमें यह है कि आपको पेट्रोल के साथ साथ CNG में भी ऑफ़र किया जाएगा। काफ़ी शानदार व्हीकल होने वाला है। जो लोग डीजल गाड़ियाँ नहीं लेना चाहते, 10 और 15 साल के जो इनका रेशियो आया है, उनके लिए ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। CNG में दोस्तों माइलेज भी इसका बढ़िया होने वाला है और इस गाड़ी का जो प्राइस या परफॉर्मेंस भी है वो भी सबसे बढ़िया होने वाला है। प्राइस की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी का जो शोरूम प्राइस है वो 8,58,000 से लेके 8,91,000 है। यानी कि ये गाड़ी आपको ऑन रोड मोटा मोटा 9.25 लाख रुपये के आसपास ऑन रोड आपको ये गाड़ी मिल जाएगी मेरठ में। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें आपको 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है। 67 BHP के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है और 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ग्रॉस वेट की बात करूँ तो इस गाड़ी का जो ग्रॉस वेट है वो 2990 यानी कि 3000 किलो के आसपास ग्रॉस वेट है। व्हील बेस इस गाड़ी का आपको 3264 यानी कि 3264 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिलने वाला है। तो गाड़ी आपको ओवरऑल काफ़ी आपको डिसेंट प्राइस में अच्छा खासा स्पेस ऑफर करने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें आपको 140 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी की जो लोडिंग लिप है ना, पीछे आप स्पेस देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 1200 किलो के आसपास इसमें आप पीछे वेट रख सकते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो इस गाड़ी की आपको 5219 mm की लेंथ मिलने वाली है, 1700 mm की विड्थ मिलने वाली है और 1865 mm की इसमें आपको हाइट मिलने वाली है। और व्हील बेस मैंने आपको बता ही दिया, 3264 mm का आपको व्हील बेस मिलने वाला है। तो गाड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी है, पीछे की स्पेस आपको सबसे बड़ी बात बहुत लंबी मिलने वाली है। और इस गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कम कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत कम होता है, आपको पता ही है। 15 इंच के इसमें आपको टायर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप साइलेंसर देख सकते हैं, साइलेंसर इस गाड़ी का आ गया है। जो इसकी CNG भरी जाती है वो इसकी दूसरी साइड से भरी जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी गाड़ी में आपको दोस्तों ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये कमर्शियल व्हीकल के पर्पज़ से ही आप यूज़ कर सकते हैं। 1200 किलो का इसमें आप सामान रख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया हो गया, ये समझ लो एक तरीके से मिनी ट्रक है। पीछे भी यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ गाड़ी का लुक मिलता है। और पूरी लोहालाट गाड़ी है, आपको पता है महिंद्रा की गाड़ी है तो लोहालाट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं CNG का ऑप्शन मिलने वाला है, साइड से आप CNG इसमें भरने वाले हैं। बाकी फ्रंट की एक बार प्रोफाइलिंग देख सकते हैं आप, बीच में आपको महिंद्रा की बैजिंग के साथ बिल्कुल सिंपल ग्रिल मिलने वाली है। कोई आपको इसमें क्रोम का यूज़ नहीं मिलेगा, कोई आपको इसमें स्पोर्ट्स वाला लुक नहीं मिलेगा। सिंपल आपको हेलोजन बल्ब मिलने वाले हैं, वाइट बल्ब वाले, और यहाँ पर इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, उसी के नीचे आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर का ऑप्शन दिया गया, जो कि आगे से कोई अगर बंदा आ रहा लाइट ख़राब हो जाए तो आप रिफ्लेक्टर उसके चमक सकें। साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी गाड़ी है, व्हील बेस बहुत बड़ा है इस गाड़ी का, जो कि दो टायरों के बीच में गैप होता है। यहाँ पे आप साइलेंसर देख सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिलेगी, महिंद्रा की गाड़ी आपको पता ही है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, ना ज़्यादा ख़राब होगी लेकिन अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। बाकी पावर स्टीयरिंग इसमें आपको मिलने वाला है, एक कन्वीनियंस का फीचर ये भी दिया जाएगा। चढ़ने के लिए यहाँ पे स्पेस दी जाएगी, साइड में मिरर दिया जाएगा और यहाँ पे महिंद्रा बलेरो और CNG की बैजिंग मिलने वाली है। यहाँ साइड में इसमें आपको इंडिकेटर दिया जाएगा, पीछे से ऐसी कुछ आपको गाड़ी मिलने वाली है। सिंपल आपको बल्ब मिलने वाले हैं हैलोजन वाले इंडिकेटर के साथ, यहाँ पे CNG की बैजिंग, पीछे आपको साइलेंसर नहीं मिलेगा, साइड में मिलने वाला है। तो ये खुल भी जाता है, जिससे कि आप इसमें सामान आसानी से डाल सकें, आसानी से उतार सकें। और इसके ऊपर आप अगर इसे कवर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। बाकी दोस्तों ऐसी कुछ इसमें आपको कीज़ मिलने वाली है महिंद्रा बलेरो FB पिकअप CNG में, नॉर्मल की है, कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी। सिंपल आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया, चाबी डालो और गाड़ी का लॉक खोलो। डोर एंट्रीज भी आप दे सकते हैं, जैसे आपको पहले मारुति में आते थे ना, तो वैसा आपको ये पकड़ने वाले का ऑप्शन दिया गया है। अंदर से डोर पैनल की क्वालिटी दे सकते हैं, हाथ से आप ऊपर नीचे विंडो कर सकते हैं, मैनुअल सब कुछ मिलेगा आपको उसमें, ऑटोमेटिक नहीं मिलने वाला। यहाँ चढ़ने के लिए जगह दे रखी है, सिंपल आपको फैब्रिक सीट्स मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको साइड में मिलने वाली है, जो कि नॉर्मली गाड़ी में आपको बीच में हैंड ब्रेक मिलती थी, इसमें आपको साइड में हैंड ब्रेक मिलने वाली है। और यहाँ पीछे भी शीशा दिया गया, तो एक बार बैठ के दिखाऊँ। चढ़ना इस गाड़ी में थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ऊँची गाड़ी है, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी ऊँची गाड़ी है दोस्तों। सिंपल स्टीयरिंग व्हील, सिंपल डैशबोर्ड, थोड़ा सा बेज कलर टाइप का इसमें आपको डैशबोर्ड मिलेगा। एक बार आपको इसकी इंजन की साउंड सुनाता हूँ, देखो जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो गियर कितना वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेशन मिलने वाली है आपको। अब एक बार बंद करके दोबारा दिखाता हूँ, देखो तो वाइब्रेशन इस गाड़ी में पूरी मिलने वाली है। ऐसा कुछ आपको इसमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, सिंपल मिलने वाला। बाकी जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी ना, तब भी आपको इंजन की आवाज़ अंदर आने वाली है दोस्तों,
वाइब्रेशंस काफ़ी मिलने वाली है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्लस्टर मिलने वाला है। लेफ्ट में आपको यहाँ पे डिजिटल मिलने वाला है जो कि ये पेट्रोल शो करेगा, इंजन कितना हीट है, कूल्ड है। बीच में आपको एनालॉग सा मिलने वाला है, आरपीएम मीटर इस वाले मॉडल में आपको नहीं मिलने वाला है। सिंपल स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है जो कि आपको राइट में लाइट्स मिलने वाली हैं और लेफ्ट में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलने वाले हैं। यहाँ राइट में चलें तो यहाँ पे आपको लाइट की हेडलिंग सेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस भी मिलने वाली है। एसी इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, इस वाले वेरिएंट के इस गाड़ी में आपको एसी का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही म्यूजिक सिस्टम मिलता है। बस यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर मिलने वाला है जो कि बहुत बढ़िया बात है, जो कि आप अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा दोस्तों, जो कि पीछे आपको रिवर्स गियर वाला ऑप्शन दिया गया है। बीच में आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंगुइशर इस गाड़ी में दिया जाएगा। स्पेस काफ़ी है क्योंकि काफ़ी चौड़ी गाड़ी है तो स्पेस अच्छी खासी है। बीच में आपको सिंपल आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा। क्वालिटी इसमें आपको थोड़ी चीप मिलने वाली है, आपको ऐसे लगेगा बहुत क्वालिटी थकी थकी क्वालिटी लग रही है, देखो जैसे इसकी क्वालिटी है। यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता, यहाँ भी आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिटी आपको थोड़ी सी ना चीप मिलने वाली है। सिंपल आपको यहाँ पे पीछे का मिरर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आप अपना पीछे का सामान दे सकते हैं कि कोई सामान पीछे पड़ा है, चोरी वोरी तो नहीं हुआ, मतलब पीछे का सामान की आप आगे से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अगर आपका कोई कमर्शियल व्हीकल लेने का सोच रहे हैं और आपका 9 लाख के आसपास का बजट है, तो आपके लिए महिंद्रा बलेरो FB पिकअप CNG सबसे बढ़िया रहने वाला है। माइलेज तो मैं बता दूं आपको 18-19 का माइलेज ये गाड़ी आराम से निकाल देती है, इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी, 2.5 लीटर का इंजन होने के बावजूद भी 18-19 का माइलेज ये आराम से निकाल देगी, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। और CNG का प्राइस तो आपको पता ही है, पेट्रोल और डीजल से कम है, मेंटेनेंस भी कम है, सब कुछ ओवरऑल मिला के गाड़ी आपकी वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। वारंटी की बात करें तो इस गाड़ी की 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी है, तो ये एक बहुत बढ़िया इसका पॉइंट रहने वाला है दोस्तों। मेंटेनेंस भी कम है इस गाड़ी की, वारंटी भी बहुत बढ़िया है और सस्पेंशन भी इस गाड़ी का मतलब सही है। दूसरे आप कमर्शियल व्हीकल चला के देखें और इस वाले व्हीकल को चला के देखें, आपको अंतर पता चल जाएगा। ख़राब सड़कों पर गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन आपको गड्ढे हैं ज़्यादा भी महसूस नहीं होंगे, लेकिन अच्छा खासा इस गाड़ी का सस्पेंशन रखा गया है। प्राइस भी मैंने आपको बता ही दिया, 9 लाख रुपये 9 लाख रुपये के आसपास का प्राइस है। यहाँ से आपको CNG भरी आती है दोस्तों, यहाँ से आपको CNG की पूरी सेटिंग हो रखी है। साइड में इस गाड़ी का CNG भरने का ऑप्शन दिया गया है और दूसरी साइड इसका पेट्रोल भरने का ऑप्शन दिया गया है। और इस गाड़ी की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पर होती है। इंजन की एक बार आपको मैं आवाज़ सुना दूँ, तो ऐसी कुछ गाड़ी की इंजन की आवाज़ है आपको दोस्तों। काफ़ी बड़ी बैटरी मिलने वाली है, नीट एंड क्लीन इसमें आपको इंजन मिलने वाला है, 2.5 लीटर का, 67 BHP के आसपास पावर, 178 Nm का टॉर्क, तो ऐसा कुछ गाड़ी का इंजन है। आवाज़ भी सुन लो एक बार। बिल्ड क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिलने वाली है। बाकी दोस्तों मेरी आज की वीडियो में एक यही था, महिंद्रा बलेरो FB पिकअप CNG के बारे में आपको बताना था। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एक कमर्शियल व्हीकल के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो दोस्तों फाइनली मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आ गया हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी और गाड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरी गाड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं इसके, आपको कंपटीशन में टाटा की कई गाड़ियाँ आती हैं जो कि कमर्शियल में होती हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, फोर्स की भी मेरे ख्याल से आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे यही लगी, महिंद्रा बलेरो पिकअप CNG। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर आप में से किसी को भी महिंद्रा बलेरो FB पिकअप CNG वाला कमर्शियल व्हीकल लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको बढ़िया डील मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।